शादी विवाह कहाँ लोग करवाते हैं, जातीय खोज कर रहे हैं कि बिना जातीय में करवा लेते हैं लोग। मस्जिदों के बाहर कौन भीख मांगता है ये कैसे पता चलेगा? जब तक आप जाति आधारित जनगणना नहीं कराइएगा तो जाति आधारित गणना जनगणना में सभी चीज़ आता है कि किस जात की संख्या कितनी है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वह क्या पेशा करते हैं। बिहार बीजेपी की या बात सेंट्रल बीजेपी क्यों नहीं मान रही है, उनको मानना चाहिए। बीजेपी ऊपर से चलती है, नीचे से नहीं चलती है। बीजेपी कैसे गलत बोल रही है, सारे पार्टियां जब एक सुर में बोल रही है कि जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि बैकवर्ड को ही फायदा होने वाला है, दलित को ही फायदा होने वाला नहीं, ब्राह्मण को भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। जातीय जनगणना को लेकर अब सियासत तो गर्म है ही, अब कहीं ना कहीं आवाज लोग बुलंद करने लगे हैं। हमारे ठीक पीछे आप पोस्टर देख रहे होंगे, पोस्टर में साफ साफ दर्शाया गया है कि जातीय जनगणना जो है वो ज़रूरी है, 50% आरक्षण की सीमा जो है वो समाप्त करनी चाहिए। और तमाम जो बिंदु हैं जिस पर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ जेडीयू के तमाम नेता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, अब पटना की सड़कों पर पोस्टर और बैनर भी लगाए जा रहे हैं। आप लोगों ने पोस्टर और बैनर लगाया है, क्या उद्देश्य क्या है लगाने? ये उद्देश्य है हमारा कि देखिए क्या है कि अभी तक जो भी जनगणना हुई थी वो जो है मेनली सेंसस बेस्ड था। 1948 का जो भी रूल है, अंग्रेजों ने जो 1871 से चलाया, उसके बाद 1931 में लास्ट जो है कास्ट बेस्ड सेंसस रहा। इससे पता तो लग जाता, उस समय तक तो अच्छा था कि ये पता लग जाता था कि इंडिविजुअल कास्ट बेस्ड क्या है, और उससे पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी सुविधा मिलती है। सरकार को भी इससे सुविधा ही होगी क्योंकि वो पॉलिसी मेक कर पाएगी इन्यूमरेटेड वैल्यू में कि किसकी किसकी कितनी संख्या और कौन कौन सी योजनाओं को हम लागू कर सकते हैं। 1941 में ये हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये नहीं हो पाया। 2011 में ये काफ़ी अच्छे तरीके से आया, इसमें 4800 करोड़ रुपये खर्च भी हुए, और खर्च के बाद जो है सोशियो इकोनॉमिक प्लस SECC इसको कहा जाता था, SECC 2011। तो इसमें दो डिफरेंट सेंसस और इसमें दो डिफरेंस था। पहला डिफरेंस तो ये था, सेंसस में प्रॉब्लम ये था कि बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई नहीं हो पाता था, जो भी लोग डिप्राइव्ड हैं, जो भी मार्जिनलाइज हो गए हैं, जो भी वर्ग, उनके बारे में कुछ पता नहीं लग पाता था। और दूसरा ये था कि जो भी डेटा 2000 ये जो सेंसस बेस्ड डेटा था, उस डेटा की सबसे बड़ी कमी थी कि वो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता था, क्योंकि ये एक रूल 1948 के अनुसार लगा हुआ था। और ये SECC 2011 में सबसे बड़ी बात ये थी कि एक ओपन डेटा है, राज्य सरकार चाहे तो इस ओपन डेटा को यूज कर करके जितने भी मार्जिनलाइज्ड, हाँ, ये जनगणना होने से जातिवाद फैलेगा? नहीं नहीं नहीं, इस पर जातिवाद कहीं से नहीं फैलेगा। अब आप देखिए, मुस्लिम लोगों की होती है, हिंदू लोगों की होती है, सिख होती है, ईसाई होती है, इसके करने से कहाँ। ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इंडिया को लोग समझ नहीं ठीक से पा रहे हैं। इंडिया ह्यूमन रिसोर्स की एक जगह है। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का हमारा एक कंट्री है, जो सब जगह कंट्री ह्यूमन रिसोर्स हम लोग जो है सप्लाई करते हैं या बेचते हैं ह्यूमन रिसोर्स को। तो नीचे के लोग या जो भी लोग डिप्राइव है या मार्जिनलाइज हो गए हैं, जब तक वो मेन विंग में नहीं आएंगे, जब तक उनके लिए योजना सही से नहीं लगेगी, तब तक अभी आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था में अंदरूनी कितनी बड़ी इशू है, जो लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं। जब ये योजना हर एक वर्ग में सही तरह से लगेगा, तो अपने आप से ऑटोमेटिक जो है भारत का विकास आगे की ओर बढ़ेगा। और ये जो है योजनाएं सही तरह से लागू मार्जिनलाइज या डिप्राइव वर्ग के लिए नहीं हो पा रही है, इसी कारण ये अर्थव्यवस्था नीचे चली जा रही है। दूसरा एक और बोल रहे हैं हम कि निजी क्षेत्र में भी करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी मोनेटाइज किया 6 लाख करोड़ का, वित्त मंत्री ने जो है 6 लाख करोड़ रुपए का वो कहा है मोनेटाइज किया है अपने एसेट्स को। अब वो हर एक एसेट जो है गवर्नमेंट भले ऊपर से कंट्रोल करेगी, लेकिन एसेट प्राइवेट क्षेत्र में जो है मोनेटाइज के लिए चले जाएगी, आप उसका कितना अच्छा यूज कर सकते हैं। तो निजी क्षेत्र में हम इसको ले करके तो आएंगे, लेकिन जब तक लेके आएंगे हर एक चीज़ जो है ऑलरेडी प्राइवेटाइज हो चुका होगा। तो हम कोशिश भी लोग करेंगे कि 50% के ब्रैकेट को तोड़ कर करके आगे बढ़ जाए, फिर भी उसका लाभ नहीं होगा। तो हम अभी से ही मांग कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण किया जाए, ताकि अगर प्राइवेटाइज हो भी गया तब भी वही आरक्षण तो एक वर्ड है, ताकि सब लोगों को सब तरह का अधिकार मिल सके। बीजेपी ने अपना स्टंट क्लियर कर दिया है, मगर फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो 10 अन्य लोग गए थे उसमें बीजेपी कोटे से मंत्री भी एक शामिल थे। देखिए, बीजेपी अपना स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है। ये बिहार बीजेपी का नीतीश जी के दबाव में कहिए या और भी अति पिछड़े के वोट के दबाव में वो लोग यहाँ पर मान लिए, लेकिन अगर जो बिहार बीजेपी की या बात सेंट्रल बीजेपी क्यों नहीं मान रही है, उनको मानना चाहिए। बीजेपी ऊपर से चलती है, नीचे से नहीं चलती है।
तो हमारा कहना है कि जाति आधारित गणना, जाति जनगणना नहीं, जाति आधारित गणना, जनगणना में सभी चीज़ आता है कि किस जात की संख्या कितनी है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वह क्या पेशा करते हैं, क्या नौकरी करते हैं, क्या उनका पूरा व्यापक उसका एक लेखा जोखा उसमें रहता है, जिससे जो अगर सार्वजनिक होगा तो उसी के आधार पर सरकार क्या करती है कि योजनाएं बनाती है। अब उसमें ये नहीं है कि बैकवर्ड को ही फायदा होने वाला है, दलित को ही फायदा होने वाला नहीं, ब्राह्मण को भी हो सकता है। सुदामा अगर गरीब थे तो सुदामा को कृष्ण भगवान अगर नहीं जानते कि इतना गरीब है तो कैसे वो उनके लिए योजना बनाकर उनके लिए महल बना दिए। तो उसी प्रकार आज सुदामा जो है अति पिछड़ा हो गया है और कृष्ण हो गए हैं, जो कुछ 10% लोग जो हैं वो कृष्ण बन गए, तो उनको अब दिल खोलना चाहिए और नीचे वाले लोगों को मदद करनी चाहिए और इनके लिए योजना बनानी चाहिए। जो महावीर स्थान के बाहर कौन भीख मांगता है, मस्जिदों के बाहर कौन भीख मांगता है, ये कैसे पता चलेगा जब तक आप जाति आधारित जनगणना नहीं कराइएगा। तो इसलिए जाति आधारित जनगणना जरूरी है। और जो ये प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं, सबको बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दिए, ये 6 राजमार्ग बेच दिए, आप 100 किलोमीटर हम कहीं से निकलते हैं सड़क से तो आपको रोल टोल टैक्स देना पड़ेगा, ये क्या कर रहे हैं? ये उन्माद नहीं फैलेगा? नहीं, जाति जनगणना से सभी को सही अधिकार मिलेगा। बीजेपी तो कह रही है कि जाति उन्माद फैलेगा। नहीं, बीजेपी कैसे गलत बोल रही है, सारे पार्टियाँ जब एक सुर में बोल रही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए तो उससे उन्माद नहीं फैलेगा, सभी को अपना उसका अधिकार, सही अधिकार मिलेगा। तो जाति की बात करना सही नहीं? नहीं, जाति का बात सही करना नहीं, जाति आधारित जनगणना कराना है, जाति अति थोड़े करना है, जाति की बात नहीं हो रही है, जाति आधारित जनगणना की बात हो रही है। शादी विवाह कहाँ करवाते हैं? शादी विवाह कहाँ लोग करवाते हैं? जातीय खोज कर रहे हैं कि बिना जातीय में करवा लेते हैं लोग। उसी प्रकार से अगर किसी का विकास करना है तो जाति देख कर करके किस जाति का क्या आर्थिक स्थिति है तो वो उसका विकास होगा। अब आप कह रहे हैं कि दंगा फैल जाएगा, कैसे दंगा फैल जाएगा भाई, जाति में हिंदू और मुसलमान में दंगा फैल गया, अलग अलग है, और सिख का अलग होता है, ईसाई का अलग होता है कि जनगणना, तो कहाँ SC ST की भी जनगणना होती है, कहाँ किसी में कोई, और जान जाएगा कि ये अति पिछड़ा भाई हमारा गरीब है तो इसको गले लगाएगा कि नहीं चलो इसको हमको मदद करना है। ये मदद, गरीबों को मदद करने के लिए योजनाएं बनाई जाती है। बीजेपी लगातार ये कहते नजर आ रही है, चाहे केंद्र में बात करें या यहाँ, की जातीय जनगणना जो है वो होना जरूरी नहीं है। इसकी बात इसमें समर्थन है, ठीक है, जातीय जनगणना ना, इनका समर्थन है, है? बीजेपी का नहीं, इसमें जो कह रहे हैं इसमें जातीय जनगणना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आपको क्यों लग रहा है? ना होना चाहिए, क्या हो रहा है बताइए ना। ठीक है, जाति 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 के चुनाव में अक्सर सवाल उठाया जाता है कि जाति की बात ना हो, सामाजिक बात हो, एकजुटता की बात हो, फिर जाति की बात नहीं हो तो फिर SC ST और दूसरे लोगों का क्यों इसमें सेंसस में ऐड किया गया? आप अगर बोल रहे हैं कि ऐड किया गया तो क्यों ऐड किया गया, उस समय क्यों नहीं बोला गया कि ऐड नहीं किया गया? वहाँ भी तो ऐड है, EWF आया, उसमें ऐड नहीं हुआ क्या? तो सेंसस में एक कॉलम सिर्फ आपको जोड़ना है, वो 48 करोड़ रुपये आप हम लोग ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं। 2016 में भी ये उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, उनके उसमें भी हुआ, वो ऑलरेडी सोशियो इकोनॉमिक तो डेटा आ गया बट सेंसस बेस्ड डाटा, कास्ट सेंसस बेस्ड डाटा आ ही नहीं पाया। राजनाथ सिंह भी कहे थे, हाँ, और अरुण जेटली भी कहे थे, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली तो 2011 में थे मुख्य इसके। तो आपने सुना लोगों का यही कहना है कि जातीय जनगणना जो है वो होनी चाहिए, और लगातार सवाल जो हैं अब उठ रहे हैं केंद्र सरकार पर कि आखिर केंद्र सरकार हाँ कब भरती है। खैर, लाइफ स्टीज के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।